हेलो भाई, हूँ मैं प्रफुल्ला कड़िया है पास अपने पास भाई टाटा हैरियर का XT प्लस वेरिएंट डार्क एडिशन के साथ जो कि है फेसलिफ्टेड वेरिएंट। इस गाड़ी में भाई अपने को टाटा ने क्या कुछ चेंजेस के साथ इसमें क्या कुछ फीचर अपने को दिए हैं, आज अपन वही बात करने वाले हैं डिटेल में, और ये गाड़ी अपने को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, लॉक अनलॉक यहाँ पर भाई अपन बात करें, लाइट और बूट अनलॉक हो जाता है। बाकी ये है इसकी साइड प्रोफाइल, बाकी फ्रंट में बात कर लेते हैं, ऐसी कुछ इसकी है फ्रंट प्रोफाइल, बीच में इधर पर टाटा का लोगो। बाकी रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं भाई अपन इसके डाइमेंशंस की। देख सकते हो इसकी काफ़ी अच्छी रियर जो है प्रोफाइल मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके भाई डाइमेंशंस की, तो लेंथ की बात करते हैं तो 4598 mm की इसमें अपने को जो है लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो 1894 mm की इसमें अपने को विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात करते हैं तो इसमें भाई अपने को 1607 mm की हाइट मिल जाती है। व्हील बेस 2741 mm का मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई इस गाड़ी में अपने को करीबन 205 nm के लगभग लगती है, और बाकी व्हील बेस भाई इसमें करीबन 6 मीटर का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की मिल जाती है। बाकी सस्पेंशंस की अगर अपन बात करें, इसमें भाई अपने को मिल जाता है इंडिपेंडेंट लोअर विस्पोन मैकपर्सन स्टड विथ कॉल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार, और पीछे अपने को मिल जाते हैं जो है टॉर्जन बीम, ट्विस्ट ब्लेड एंड पेन हार्ड रोल विथ स्टेबलाइजर बार। बाकी यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं, फिट टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पे अपने को हेडस्टेप डार की बैजिंग मिल जाती है। ऑटोमेटिक इसमें अपने को वाइपर्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे अपने को DRL मिल जाती है विथ इंडिकेटर, एंड यहाँ पे अपने को हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि है हेलोजन बेस, बाकी इधर पर फॉग लैम्प है। यहाँ पे अपने को टाटा का लोगो है। पैन ब्लैक फिनिश में अपने को जो है ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें अपने को जो है लुक मिल जाती है। अब बात करते हैं इसमें अपने को पीछे क्या कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अपने को 50 लैक्स कार्स 25 ईयर्स, बाकी 50 लैक कार्स की टोटल सेल हो चुकी है, और बाकी अपने को 1998 से अपनी जो टाटा की शुरुआत हुई थी, बाकी 2023 में 50 लाख कार इन्हें 25 साल में सेल कर दी हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो टाटा वालों को बधाई है बहुत सारी। बाकी यहाँ पर अपने को हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटेना है, रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अपने को टेल लैंप मिल जाते हैं, रिवर्स लैंप, इंडिकेटर है। यहाँ पर अपने को टाटा का लोगो और हैरियर की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर अपने को एक कैमरा मिलता है। बाकी यहाँ पे अपने कुछ लॉन्च वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि घूमने निकले हैं। बाकी कीलेस एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे बात करें तो अपने को डार्क क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है, ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल है, चारों पावर विंडो हैं, और यहाँ पे अपने को जो है बॉटल होल्डर और स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को मिलते हैं टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, बाकी ये ऐसी कुछ की है तो यहाँ रख देते हैं। बाकी इसको ऑन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाटा मोटर्स की ब्रांडिंग साथ अपना जो है 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलती है। बाकी भाई इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे अपने को 4-spoke स्टेयरिंग व्हील मिलता है। बाकी यहाँ पे अपने को इंफोटेनमेंट कंट्रोल और जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। 6000 RPM में टैकोमीटर है, 220 में स्पीडोमीटर है। बीच में अपने को फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज वगैरह भी मिल जाते हैं जो है DEF लेवल है, बाकी इधर पे फ्यूल गेज है। बाकी यहाँ से आप ट्रिप बी एवरेज रेंज डिस्टेंस टू MT ये सब चीज़ें देख सकते हो, आउटसाइड टेम्परेचर देख सकते हो। ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड मैनुअल हेडलैम्प हैं, पुश स्टार्ट बटन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अपने को कार्बन फिनिश टाइप जो है पैटर्न मिल जाता है, डार्क क्रोम में इसी वेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे अभी बाकी डार्क क्रोम के साथ पियान ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ से आप डिफॉग जो अपना फॉग लैम्प वो ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अपने हजार लाइट, इको और स्पोर्ट मोड है। बाकी सिटी मोड्स में तो चलती ही है, 3 ड्राइव मोड है,
बाकी यहाँ पे अपने को फैन स्पीड, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे अपने को USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे कॉइन वगैरह भी आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे अपने को बात करें तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है विद रिवर्स गियर, एंड यहाँ पे अपने को मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, कूल आर्मरेस्ट मिल जाता है अपने को 12V और 2 USB पोर्ट के साथ। यहाँ पे अपन बात करें तो ऐसा कुछ है ग्लोव बॉक्स, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर बात करें तो मैनुअल जो है अपने को IRBM मिलता है, यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे अपने को जो है सनरूफ मिल जाती है ऐसी कुछ। अरे रुक जा भाई, यहाँ से आप इसको ब्लाइंड फोल्ड वगैरह खोल सकते हो, यहाँ से सनरूफ का सिर्फ इतना हिस्सा आप उठा सकते हो और इससे पूरी सनरूफ भी खोल सकते हो। तो ये अपना आ जाएगा ब्लाइंड फोल्ड। बाकी टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग व्हील है, बाकी तीनों पेडल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है लाइट के साथ। इसमें बात करें तो यहाँ पे अपने को एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले ऐसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी है, यहाँ पे सोर्स है मीडिया, डिवाइस लेस पार्क असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स। और सेफ्टी फीचर्स की अब बात करते हैं तो इसमें अपने को भाई मिल जाते हैं 6 एयरबैग, ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऐसे सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में भर भर के अपने को जो है मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे अपने को जो है विंडो मिल जाती है, डार्क क्रोम में वो है। बाकी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, 2 USB पोर्ट हैं, अंडर थाई सपोर्ट गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन है। बाकी इधर पे अपने को जो है लाइट मिल जाती है। बाकी 425 लीटर की भाई इस गाड़ी में अपने को जो है बूट स्पेस मिल जाती है, देख सकते हो आप काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस है। पावर फिल्टर मिल जाती है, यहाँ पे पंचर रिपेयर किट है। बाकी यहाँ पे अपने को जैक वगैरह मिल जाता है। बाकी 1625 kg की ये गाड़ी जो है अपने को कारपेट मिल जाता है इसका। बाकी यहाँ पे अपने को एडिशनल स्पेस मिल जाती है। बाकी भाई अगर इसकी अपन जो है इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अपने को 2 लीटर का टर्बो चार्जर डीजल इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर। इसमें अपने को 167 BHP की पावर मिल जाती है, बाकी 350 Nm का टॉर्क मिलता है और 16 KMP के लगभग माइलेज मिलता है। बाकी अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 235/65R17 के इसमें अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं, आगे डिस्क और पीछे भी अपने को जो है नहीं भाई पीछे अपने को ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो यही था आज वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।